दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं रश्मिज ऑर्गेनिक गार्डन। आज हमारा जो एक ख़ास वीडियो है ये है हमारे गार्डन के ओवरव्यू के साथ में। अभी बारिश का मौसम लगभग जाने वाला है और इसके बाद काफ़ी सारी तैयारियां हमने करनी है आगे विंटर के लिए, और नए नए फूल आएंगे और नए नए पौधे हम अपने गार्डन में ऐड करेंगे। तो अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ और ये मेरे जेड प्लांट हैं, ये कटिंग्स मैंने लगाई है, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। इधर ये छुई मुई का एक पौधा लगा हुआ है, साथ में इसकी एक कटिंग हमने लगाई थी वो भी ग्रो कर गई। और एक ये पाम की एक वैरायटी है, पता नहीं कौन सा पाम बताया था, अभी हमने ख़रीदा था ये। तो एक ये है, एक छोटा सा बोनसाई हमने तैयार करने की कोशिश की है, इसकी एक वीडियो भी मैंने डाली थी अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि जेड प्लांट का बोनसाई कैसे बनाएं। और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है। तो इधर हमारी कुछ मिर्च के दो तीन पौधे हैं और साल भर ये हमें मिर्च देते रहते हैं, अभी भी इन पर मिर्च आई हुई है ये देखिए। और ये बहुत तेज़ तीखी वाली मिर्च है। इधर से चलते हैं तो ये एक हमारा मिनी ऑरेंज का पौधा है और 12 महीने देता रहता है, देखिए कुछ पक जाते हैं फिर कुछ पीछे छोटे छोटे हैं, कुछ उनसे भी छोटे हैं, कुछ इनसे भी छोटे हैं ये देखिए। और ये इधर पके हुए लगे हुए हैं ये देखिए, बिल्कुल पीले हो गए हैं पक्के। और इधर हमारा ये अंजीर का पौधा है ये देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया अंजीर, अब ये इस पर कुछ दिनों में अंजीर आएंगे। ये गुड़हल है और साथ में ये हमारे सारे गुड़हल रखे हुए हैं, वाइट है, रेड है, पिंक है ये देखिए, पिंक वाले पर फ्लावरिंग भी आई हुई है। और एक ही रेड वाला है ये देखिए, ये कड़ी पत्ता का प्लांट है हमारा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये क्रिसमस ट्री अभी बाई किया था हमने कुछ दिन पहले ही और इसकी ग्रोथ भी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है। ये येलो वाला जो गुड़हल है वो है हमारा। और एक बेल हमने अभी लगाई थी, ये पैशन फ्लावर की बेल है, कलर तो अभी नहीं पता है क्या है इसका, बट इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। और एक डेढ़ महीने में ही इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छी हो गई है। ये पुराने वाली है, इसका कलर तो हमें पता है, इसका पर्पल कलर की है, ये काफ़ी अच्छा फ्लावर इसका होता है। और ये इधर बैम्बू जो होता है मिनी बैम्बू वो है, पूरा जंगल जैसा रहता है ये और काफ़ी सुंदर भी दिखता है ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे पूरा घना जंगल हो बांस का। और आपके गार्डन में अगर हो तो काफ़ी प्यारा लगता है, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ये मरवा का आप पौधा देख रहे हैं ये देखिए, इस पर बीज भी आ गए हैं अभी ये देखिए, काफ़ी अच्छा रहता है इसका सेवन करना और काफ़ी उपयोगी माना जाता है आयुर्वेद में, तो करते रहते हैं हम भी। ये एक और प्लांट और ये मैंने लिया है अभी, पेड़ लगाया नहीं है, ये ब्रोकन हार्ट बोलते हैं इसको, ब्रोकन हार्ट है या क्या है, पर्पल हार्ट है शायद, कुछ ऐसा ही नाम है। तो इधर देखिए सेलम है और ये हमने अभी लगाए थे तो ऊपर इसलिए रखे हुए हैं कि इनको सेट हो जाए एक बार, तो उसके बाद फिर हम इनको नीचे शिफ्ट करेंगे। ये एक इंडोर प्लांट है और ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, अभी चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, इन पर फ्लावरिंग हो रही है। इधर ये देखिए कुछ पाम हमने ऊपर रखे हुए हैं शेड में और ये जो चांदनी है वो है, और ये क्या बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र है ये, काफ़ी अच्छे फूल गिरते हैं इस पर बंच में ये देखिए। और इधर हमने अपना पारिजात का पौधा लगाया हुआ है, कटिंग कर दी थी इसकी हमने लास्ट टाइम, इस पर फ्लावरिंग बंद हो गई थी तो हमने कटिंग कर दी थी, उसके बाद देखिए इसकी कितनी अच्छी ब्रांचेज निकल रही हैं। और एक ये पौधा है हमारे पास, ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है फूलों की, नाम तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताना क्या है ये।
इधर हमारा एलोवेरा लगा हुआ है, साथ में और है मोरपंखी है, फाइकस है, एक कोई फाइकस है, एक ही हमारा अभी प्लांट बाय किया था हमने ऑनलाइन, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हमारा रहा है रबड़ के प्लांट में। 2 महीने बाद ये प्लांट हमें मिला है और आप सोच सकते हैं एक बहुत ही बड़ी प्लांट की वेबसाइट है नर्सरी लाइफ, उनके साथ में ही मेरा ख़राब एक्सपीरियंस। 2 महीने में उन्होंने ये प्लांट दिया है, बहुत सारी मेल की है मैंने, उसके बाद बात की है, जब जाके मुझे प्लांट मिला है। तो मैं तो अब किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि उस साइट से आप जाके कोई प्लांट ख़रीदें। और ये मैं आपको इम्पोर्टेंट आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ अपडेट्स, मेरी जो कटिंग्स मैंने ग्रो की थी लगभग 1 महीने की अपडेट है इनकी, कितनी सारी देखिए, जितनी भी कटिंग्स हमने लगाई थी लगभग लगभग सारी की सारी ही सक्सेस हो गई हैं, एक छोड़कर ये वाली जो है इसमें ये नहीं हुई है अभी, बाकी जितनी भी कटिंग्स हमने लगाई थी आप देख रहे हैं सब की सब कितने अच्छे तरीके से इनमें ग्रोथ आ गई है। इधर मोरपंखी देखिए, इधर ये देखिए, तो ये सारी की सारी बहुत अच्छी इसमें मुझे सफलता मिली है और अनुभव मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। और ये एक प्लांट हम अभी गए थे एक अपने रिश्तेदार के यहाँ पर, वहाँ से लाए हैं इसकी एक ब्रांच, क्योंकि इसके साइड से ब्रांचेस निकलती रहती हैं तो वो भी आप कट करके लगा सकते हैं, तो वही लाए हैं हम। ये इंडोर की वैरायटी है, अभी आज ही लगाया हमने, अभी रखा है इसको शेड में 2-3 दिन 4 दिन रखेंगे, उसके बाद फिर इसको नीचे ले जाएंगे। और इधर मेरे सारे कोलियस हैं, ये देखिए अलग अलग कलर के कोलियस हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे कोलियस। इसकी जो पत्ते हैं लीव्स हैं उनके जो कलर हैं डिज़ाइन हैं वो इतने प्यारे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और आप भी मुझे बताना कि आपको कौन सा पौधा अच्छा लगता है, कमेंट करके बताना। इधर मेरा लीली है और ये मनी प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, और आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, ये देखिए इसकी ग्रोथ। इधर सारे रोजेज रखे हुए हैं, अभी तो इन पर कुछ ही दिन हुए फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नहीं तो काफ़ी लंबे समय से हो रही थी। और ये मेरे जो एक आइस बूस करके क्या प्लांट है ये, इसका नाम अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, क्रोटोन है। और इधर ये कुछ कटिंग्स हैं, ये भी हम लेकर आए हैं वहीं से ही, ये देखिए ये उन्होंने रखी हुई थी पानी में और ये 1 महीना हो गया इनको, ये देखिए आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। अभी मैं इनको ऐसे ही रख दूँगा पानी में ही। और इधर ये देखिए मेरे 2 प्लांट हैं ये जरबेरा के, और ग्रोथ इनकी देखिए, अभी हालांकि इन पर फ्लावरिंग नहीं है बट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इनकी। और इधर का ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये अभी खाली पड़ा हुआ है, कुछ कुछ ऐसे ही लगा हुआ है इनमें। ये वाइन है, गोल्डन वाइन, ये पतंजलि हम गए थे वहाँ से एक छोटी सी लेकर आए थे अभी कुछ दिन पहले ही, और ऐसे ही ला के लगा दी थी। और अब इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इनमें सब में। हम आगे आने वाले समय में जो विंटर की जो सब्जी हैं, पालक हो गया, मेथी, धनिया, वो सारे लगाएंगे जितनी भी छोटे वाली क्रेट है हमारी। और इधर ही हमने कुछ और लगाए हुए हैं, एक एक काफ़ी अच्छा प्लांट है हमारा। और इधर अभी हमने ये गेंदे लगाए हुए हैं, अर्ली वैरायटी है ये, और ये दीपावली तक इस पर फ्लावरिंग भी आ जाएगी। अभी तो पौध लाए थे हमने, तो वो पौध लगाई हमने, अब इसकी कुछ दिन में हम कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर इन पर अलग अलग ब्रांचेस ज़्यादा फूटेंगी तो उसके बाद इन पर फ्लावरिंग हो जाएगी। अर्ली वैरायटी है, फ्लावरिंग की है, एक एक कटिंग लगाई थी हमने, इसकी भी ग्रोथ देखी आप। ये छोटे वाली चांदनी है, बड़ी अच्छी सुंदर लगती है अगर ये आपके गार्डन में हो तो, और काफ़ी सस्ती भी है, ईजी टू मेनटेन है, बहुत ज़्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए। ये अम्ब्रेला पाम है साथ में ही, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये हमारा जो लेमन ग्रास है, ये देखिए ग्रोथ आप इसकी सुंदर काफ़ी। और इधर जो सारा सेक्शन है हमारा वो हैंगिंग बास्केट्स हैं, ये देखिए, और सारी काफ़ी अच्छी चल रही है, टर्टल वाइन है, गोल्डन वाइन है। इधर हमारा जो सेक्शन है पूरा का पूरा ये कैक्टस और सेकुलेंट्स का है,
ये अडेनियम है। अडेनियम पर ये देखिए, ये सादे वाले अडेनियम है, बट इसकी जो फ्लावरिंग है वो देखिए कितनी अच्छी है। और ये देखिए, ये कैक्टस है, ये भी, ये देखिए सेकुलेंट्स है, हावरते की वैरायटी, ये सारे। और इधर जो पूरा का पूरा सेक्शन है हमारा, वो तुलसी जी का है। सारी वैरायटी तुलसी जी की यहाँ पर हमारे पास 8-10 वैरायटी हैं, सब पूरी लगी हुई हैं। और ये देखिए लेमन और कपूर और पता नहीं कौन कौन सी सारी हैं। ये देखिए, ये जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, मरवे का प्लांट, ये अपने आप उगते रहते हैं साइड में। और ये दो हमने अपनी अभी ट्रांसप्लांट करेंगे इनको, जो सीडलिंग है वो उगाई हुई है हमने, टमाटर की है और बैंगन की है दोनों ही। और इधर देखिए, इधर तो अभी ये ऐसे ही खिचड़ी बनी पड़ी है, इसको भी हटाना है अभी जब सर्दियों के लगाएंगे तो। इधर हमारी देखिए सारे प्लांट, पुराने के पुराने जितने भी प्लांट हैं वो सारे हैं। बोगनविलियाज की वैरायटी हैं 4-5, ये देखिए। और ऊपर ये छोटी छोटी कैरेट में कहीं गेंदा है, कहीं अपराजिता है, ये देखिए वाइट और पिंक दोनों अलग अलग। ये देखिए, ये रजनीगंधा का प्लांट है, फ्लावरिंग भी इस पर आई हुई थी। ये देखिए इधर मिर्च है, मिर्च भी देखिए आप, काफ़ी अच्छी मात्रा में मिर्च आई हुई हैं, ये देखिए। और इधर अलग अलग और खूबसूरत प्लांट हमारे लगे हुए हैं। गुलदुफेरी आप देखिए, अभी भी फ्लावरिंग इस पर बरकरार है और ऐसी चलती रहेगी। ये तो पिछले साल का प्लांट है, मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था आपको, पूरे साल ऐसे ही इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। और ये फूल देखिए आप, कितना अच्छा प्यारा, ये देखिए ये पाम है हमारा। और ये चीड़ का पेड़ है, काफ़ी लंबे टाइम से है हमारे साथ ये। और इधर कुछ और हैं, एक ये लेमन का है, लेमन की आप ग्रोथ देखिए, हमारे फ्रूटिंग देखिए इस पर कितनी है, गुच्छों में फ्रूटिंग है। और ये देखिए, देख रहे हैं ना, पांच एक ही जगह पर 5 नींबू लगे हुए हैं। और इधर देखिए, ये देखिए बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये हमारा बड़ का पेड़ है, इस बार की जो ग्रोथ है इस पर वो बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इस पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर देखिए बोटल पाम है, और ये एलमंडा है येलो कलर का, ये देखिए। इधर हमारे पास एक्जोरा है, ये एक्जोरा की फ्लावरिंग देखिए, बर्ड्स साथ में निकलती रहती हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और फ्लावरिंग ऐसे चलती रहती है। मधुकामनी का एक छोटा सा प्लांट अभी लगाया था हमने। और ये कनेर है वाइट वाला, ड्वार्फ वैरायटी है ये। और इधर साथ में गेंदा और जो नॉर्मल वाला गेंदा होता है छोटे वाला वो है, ये काफ़ी मदद भी करते हैं गार्डनिंग में, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे, काफ़ी गेंदे से काफ़ी राहत होती है। तो यही सारी है। और इधर हमारा, हाँ मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए ये काफ़ी पुरानी बेल हो गई हमारी तुरई की, और इस पर अभी भी लगातार फल हमें मिल रहे हैं। कुछ 2-3 दिन में 4 दिन में हमें एक बार की सब्ज़ी मिल जाती है आराम से, 2-3 तुरई। और इस तरह से ये देखिए आप, फल इस पर आते रहते हैं। ये चंपा का है हमारा, इस पर फ्लावरिंग हुई थी अभी, और भी फ्लावरिंग इस पर आ रही है। ये दो बेल मैंने अभी लगाई हैं सीडलिंग से ग्रो करके, एक तो तुरई की है और एक लौकी की है। और ये बैंगन है साथ में, इधर दो बैंगन लगे हुए हैं, ये सेम आती है उसकी बेल है। इस पर तो खैर अभी नहीं आया कुछ भी, उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में आएगा। तो यही सारा मेरा गार्डन का पूरा ओवरव्यू था, तो आपको अच्छा लगा होगा। अरे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये बोगनविलिया की जो वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ में जुड़े रहने से जो हमारा मनोबल है वो और अच्छा बना रहे, और ऐसे ही हम आगे भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ये देखिए कोचिया ग्रीनरी आप देखिए कितनी अच्छी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था आज,
तो बाकी और भी चीज़ें दिखाने को, लेकिन कई किसी अलग वीडियो में फिर दिखाएंगे। नमस्कार।